देख मीनल, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, जब तक विभू को उसके किए पर पछतावा नहीं होगा उसे मैं घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। लो आ गए घर के अंदर घुसकर। चल मैं करती हूँ तुझसे बात। चलो ओके बाय। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कल रात से एक कपड़े पहने घूम रहा हूँ, खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हस्बैंड खुजलाता हुआ पूरी रोड पे घूमेगा और लोग उसे पागल समझ के पत्थर मारेंगे और तुम कह रही मैं क्या करूं? सैड। अभी भी तो तुम्हारा दिमाग खराब ही है, अभी भी तो तुम पागलों की तरह ही हरकत कर रहे हो ना। देयर इज नो डिफरेंस। एक्सक्यूज मी, मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सो बेटर यह है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैंने एडजस्टमेंट कर ली सक्सेना जी के साथ। And he's quite excited to have me go. Wow! What a good choice, huh? Saxena ji, kitni badhiya company hai. Tum bhi pagal, wo bhi pagal. Thank you so much. Thank you very much for the compliment. Main kapde le lu? No. Yaar, ye kyon kar rahi ho tum mere saath yaar? Why are you doing this to me? तुम्हें पता है, I don't have to tell you. तुम मुझे उस जुर्म की सजा दे रही हो जो कि मैंने किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। मैं मुजरिम नहीं हूँ। हर मुजरिम यही कहता है। मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा। हर मुजरिम यही कहता है। हाँ, मैंने एक जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। पूछोगी नहीं कौन सा जुर्म किया है मैंने? कौन सा? तुमसे शादी करके I made a mistake of my life. That was the blunder of my life. Excuse me. God. Oh, it's killing me. अरे आ रहे भाई। आसम। अरे भाई, अरे भाई, साहब जी, गुलफाम कली के मैनेजर हैंगे। मनमोहन छिछोरे। हम किसके मैनेजर मैनेजर देंगे? तुम यार जीएमआई बड़े साहब हैंगे, इनको गुलफाम कली को प्रोग्राम देखने है को। हमारी गुलफाम कली से बात हो गई है। ये घर है, कोई कोठा नहीं है, समझे? तुम सारे ज्यादा बकर बकर ना करो, नहीं भाई खोपड़ी खराब हो गई ना, अब इन छापो डाल देंगे, केस बना देंगे कि तुम रैकेट चलाते हो, समझे? क्या बात कर रहे हो? हम दरोगा हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, समझ गए? अरे दादा, अरे दादा,
नहीं अम्मा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुने, झूठ बोल रहा है। हम तुमको रंगे हाथ पकड़े हैं, फिर भी झूठ बोल रहा है। खूब नाम रोशन कर रहा है अपने अम्मा बाबूजी का, है? अम्मा जी अब जाने दे। तू चुप रे बहुरिया, तू आज बीच में नहीं बोलना। आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बड़ा मैनेजर बना फिरता है ना, आज इसकी सारी मैनेजरी निकालते हैं हम। आंटी आई लाइक इट, थैंक यू आंटी। मुझे पता था यहाँ पे जबरदस्त पिटाई का कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए मैं आया था। थैंक यू, आई लाइक इट। चले साहब, प्रोग्राम खत्म हो गया। ए बहुरिया, तनी जूस लेके आओ हमरे लिए, जूस पी के ना फिर धुलाई करेंगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड। दरवाजे से मैंने तुम्हें आने नहीं दिया, तुम तो चोरों की तरह बालकनी से कूद के आ गए। अनु, ये कपड़े मैंने कल रात से पहने हुए, खुजला खुजला के जान निकल गई मेरी यार। मैं अपने कपड़े लेने आया था, लेके चला जाऊंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर पे, हर चीज पे मेरा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, इफ यू रिमेम्बर, इस घर के डिपॉजिट में आधे पैसे मेरे भी हैं। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने इस घर का डिपॉजिट दिया था तो मैंने एक पॉलिसी बेची थी, उसके 20,000 रुपए आए थे, वो पैसे मैंने आपको दिए थे, और उस हिसाब से इस घर पे जितना अधिकार आपका है, गॉड, उतना अधिकार मेरा भी है। वेरी गुड बिबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा तुमने। दिखा दी ना तुमने अपनी क्लास, ले आए ना हमारे बीच में पैसे, गिनवा दिए ना आज तुमने पैसे। या दैट्स माय क्लास। गुड, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। अब तुम नहीं, मैं जाऊंगी इस घर से, रहो अपने घर में। ये क्या करूं अपनी बीवी का यार, मैं जरा सा रहम नहीं है इसके दिल में मेरे लिए। कब से खुजा रहा हूं, कपड़े भी नहीं देती। दिस इज नॉट फेयर। कहां जा रही हो? घर छोड़कर, खुजा लो इत्मीनान से अपने घर में। अनु मेरी बात सुनो, अनु मैं जाएगी तो कहां जाएगी? भाभी जी क्या? गॉड, इट्स किलिंग मैन। रहो अकेले, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तंग आ गई हूं ऐसी हरकतों से। विभू तो अंदर है, तो फिर ये कौन दीवार पे लिख रहा है? इसका मतलब विभू ये सब नहीं लिख रहा था, पर ये आदमी लिख रहा था। ओ नो, और मैं अपने विभू पर इल्जाम लगा रही थी। अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ती।
बदमाश बदमाश चली तेरा तेरा क्या हरकत कर रहा था तू विभू विभू तिवारी जी अंगूरी जी अम्मा जी बाहर आइए विभू जल्दी बाहर आओ गॉड पकड़ो इसको कहीं मत जाने देना विभू यही है वो आदमी जो हमारी कॉलोनी की दीवारों पर लिख रहा था जिसकी वजह से तुम पर इल्जाम लग रहा पर कौन है बे तू तेरी वजह से मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब खुद घर छोड़ के जा रही थी तेरी वजह से मैं भाभी जी की नजरों में गिर गया कौन है बे तू अरे ये क्या हुआ अरे क्या हुआ हां जी है क्या हुआ गोरी बिटिया और ये कंबल में कौन है हदिया ये कौन है भाभी जी ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी बौड़म है भाभी जी लेडी बैल है ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी भूरी भैंस है ये वही आदमी है और ये वही आदमी है जिसने लिखा था अनीता भूरी चिमरकली बिलैया है और तिवारी जी आपका नाम भी चाय वाले की दुकान पे इसने ही लिखा था अरे परी है कौन ससुराल का कंबल हटा के देखो तो मुंह दिखा बे अपना दिखा यादराम के लौंडे तुम्हें मिस्टर यादराम ने यही सिखाया घर पर कि अपने से बड़ों के बारे में दीवार पर ऐसी भद्दी भद्दी बातें लिखो है? और इस मरे ने तो हमें वो गुलफाम कली का मैनेजर बना दिया मैनेजर तो बड़ा डिसेंट वर्ड है इसका असल वर्ड तो हिंदी में है बताऊं आप बताइए ना रहने दो गुरी हमें पता है तो कहा है बताइए चुप रहो भाभी जी बड़ा भद्दा सा वर्ड है आप इसको पुलिस के पास दो यादराम के लौंडे को अंगूरी जी जाने दीजिए ना अभी तो यादराम का लौंडा कॉलेज में गया है हाँ इसका करियर खराब हो जाएगा देश के भविष्य का सवाल है ऐसा भविष्य देश का मारूंगा मैं तुम्हारी कंप्लेंट मिस्टर यादराम से करूंगी अरे लेकिन तुमने दीवार पे ये सब कहाँ है लिखा बताओ वो विभूति भैया हमसे बोले कि फालतू में घूमते फिरते रहते हो कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो तो इसलिए हमने लिखना शुरू कर दिया अरे तो मैंने ये कहा था कि दीवारों पे ये भैया चीजें लिख तू भैया चीजें लिख तू ऐसे कहा था मैंने ये दिखने में तो इतना बड़ा ढींगरा हो गया है और अति भर का दिमाग नहीं है बकलोल कहीं का अजान दीजिए भरभूति जी छोड़ दीजिए उसको ये देखिए कितना बेशर्म लड़का है ये आप भरभूति जी सॉरी सॉरी भाभी जी गलती इंसान से ही होती है हमें भी बहुत खेद है भभूति जी गेट लॉस्ट और अम्मा हमें काय फालतू में सूत के रख दिया बहुत दर्द हो रहा है क्या बात पॉलिश कर देते विभू विभू मुझसे गलती हो गई अरे मैंने तुम्हें गलत समझ लिया ना विभू देखो सॉरी विभू अच्छा अब इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है खोलो दरवाजा विभू विभू क्या पहले म्यूजिक बंद करो म्यूजिक बंद करो ओके हाँ बोलो अभी क्या बोल रही हो अच्छा जल्दी काम खत्म करो ना देर मत लगाओ ना जल्दी करो अनु मेरे दो ही हाथ हैं और ये हाथ है कोई मशीन नहीं है तुम्हारे हाथ और कोई काम तो कर नहीं सकते तो यही ठीक से कर लो और कौन सा काम करवाना चाहती हो तुम मेरे इन हाथों से शायद मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं बताया कि तुम्हारे हाथ और कोई जॉब तो कर नहीं सकते दैट्स नॉट पॉसिबल तो यही काम कर लो ना ठीक से अनु सुबह से एक टांग पे खड़ा हूँ सुबह से दोनों बाथरूम साफ किए ये छत का फर्श धोया है लिविंग रूम का फर्श धोया अब ये धो रहा हूँ ये आंगन का फर्श
और क्या करूं यार, जान दे दूं क्या अपनी? अरे तो ठीक है, धीरे बोलो, अपने घर का काम कर रहे हो। हाँ, इसमें एहसान दिखाने की क्या बात है, पड़ोसी का काम नहीं कर रहे हो। काश पड़ोसी का काम मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा यार मैं थक गया हूँ, मैं बस अब कल काम करूंगा। नहीं नहीं, कल वल कुछ नहीं, तुम्हारा कल कभी नहीं आने वाला, सारा काम अभी खत्म करो। यार मैं तुमसे एक बात कहूँ, this is between you and me, between husband and a wife. मेरी इस घर में हैसियत एक नौकर की है, बस तुमने उस नौकर को एक हस्बैंड का जामा बनाया हुआ है। I'm a glorified servant. धीरे बोलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? धीरे क्यों बोलूं? मैं इस घर का नौकर हूं तो हूं। I accept it. हाँ हाँ, और चिल्लाओ, और जोर जोर से चिल्लाकर सबके घर में जाके बताओ कि मैंने किस तरह तुम्हें नौकर बना के रखा है घर में। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, सब देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, देश विदेश में भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और सबको मालूम है कि मैं कितना बड़ा हैंडपैक्ड हस्बैंड हूं। आई एम योर सर्वेंट। डोंट शाउट, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। गो टू हेल। गो टू हेल बोल गई है अंग्रेजी में। हेल जाने की जरूरत नहीं है आपको, शादी कर लीजिए, यू आर इन हेल। जन्नत का मजा तो वो लूट रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, छड़े छांड बवरे बने हुए, कभी इस फूल पे तो कभी उस फूल पे, लिविंग इन अ फास्ट लेन, लाइफ इज ब्यूटिफुल। हमने तो शादी करके गले में कुत्ते का पट्टा डाल लिया साहब, कुत्ते हो गए कुत्ते। ये हाथ हमको दे ठाकुर। हदया, ये गबरवा का है ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ काट दिए। अब ठाकुर वा पूरी तरीके से रामलाल पे डिफेंडेड हो गया। अभी जी इज नॉट डिफेंडेड, इस डिपेंडेंट। सही पकड़े हैं, चुप रहिए, हम अपनी फेवरेट फिल्म सोले देख रहे हैं। अभी जी इज फेवरेट। सही पकड़े हैं, चुप रहिए ना। भाभी जी, इस फिल्म में आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाकार कौन सा है? वीरू, जय, धन्नो, बसंती, मौसी, हु इज द फेवरेट कैरेक्टर? ठाकुर बलदेव सिंह। का है ना, उनके दोनों हाथ ना ही है ना, तो उनको देखकर हमको बहुत बहुत दुख होता है। भाभी जी क्या बात कर रही हैं? हाँ देखिए ना, रामलाल जो है उनका ठीक से ख्याल ही ना ही रखता है, का है वो बुढ़िया गया है ना। भाभी जी, he's also grown old now, बुढ़ा हो गया है वो भी। काश हम रामलाल की जगह होते, हम ठाकुर बलदेव सिंह का बहुत बहुत ख्याल रखते। भाभी जी, ठाकुर साहब के लिए रामलाल का होना बहुत जरूरी है। अब वो क्या है? भाभी जी, एक्चुअली ठाकुर साहब जो है नित क्रियाएं करते हैं और उनके साथ रामलाल का होना बहुत जरूरी है। आई मीन ही नीड्स समवन टू, कैसे समझाओ, मैं नीड्स समवन टू वॉश हिम। वो कुछ भी हो, लेकिन हमको ठाकुर बलदेव सिंह को देख के बहुत बहुत दुख होता है। काहे गब्बरवा उनके हाथ काट दिए। हाँ भाभी जी, ये रियल कैरेक्टर नहीं है, ये तो फिल्म का कैरेक्टर है, आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? आपको पता है। हाँ, हमको उन लोगों पर बहुत बहुत दया आता है जिनका हाथ ना ही होता है, बहुत दुख होता है उनको देखकर। उन लोगों पर बहुत बहुत दया आता है जिनका हाथ ना ही होता है, बहुत दुख होता है उनको देखकर। हमरा इच्छा होता है कि जिनका हाथ ना ही है उनका हम बहुत सेवा करें, उनको खाना खिलाए, उनको नहलाए, उनको कपड़ा पहनाए, उनका हम उनके दोनों हाथ बन जाए, उनकी बहुत बहुत सेवा करें हम। अबे विभूति, भाभी जी कब से शॉर्ट पिच बॉल फेंके जा रही है,
और तू है कि तू शॉर्ट पिच बॉल पे छक्का ही नहीं मार रहा। अबे छक्का मार छक्का। अब अरबुत्ती जी क्या सोच रहे हैं आप? हाँ पापा जी, मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी शॉर्ट पिच बॉल फेंक रही फिर भी मैं छक्का क्यों नहीं मार रहा हूँ। क्या बोले भाभी जी? मैं ये सोच रहा था कि आप कितनी दयालु हैं। एक फिल्मी कैरेक्टर को लेकर आप इतनी जज्बाती हो गई हैं। अगर सचमुच में आपके सामने कोई आदमी आ जाएगा जिसके हाथ नहीं होंगे भाभी जी, तो आपका क्या हाल होगा? आपको बहुत बहुत दुख होगा। हाँ, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि अन्नू मुझसे घर का काम नहीं कर पाएगी और मैं भाभी जी के हसीन हाथों से खाना खाऊंगा।